पार्टी मोर्चा से माध्यम से रैली है। 16 अगस्त से हम लोगों ने गंगानगर से शुरू किया है और 17 तारीख को इसका समापन है। ये राज्य स्तरीय परिवर्तन रैली है। ये रैलियाँ भारत के 20 राज्यों में चल रही है और 6 महीने तक चलने वाली रैलियाँ है। ये इसका रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी संविधान की संख्या के मुताबिक 85% है, लेकिन वो हजारों जातियों में बटे हुए हैं और लाखों संगठनों में बटे हुए हैं, उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 6 लाख गांव में से कम एक संगठन को जोड़ते हैं तो 5 लाख संगठनों को जोड़ने का 3 साल में लक्ष्य रखते चल रहे हैं। डिफरेंट ओपिनियन होने के बाद हजारों संगठन और हजारों जातियों का कॉमन प्लेटफॉर्म हम लाना चाहते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि देश में अगर RSS के भागवत और प्रणब मुखर्जी दो विचारधारा विपरीत विचारधारा वाला इकट्ठा आ सकते मनुवादी लोग, तो हम भारत के मूल निवासी इकट्ठा क्यों नहीं आ सकते। तो ये लोगों को कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने का, भाईचारा पैदा करने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है इस देश में। 1 करोड़ लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं इस देश में संघर्ष के। क्या संदेश दोगे साहब इस रैली से? इस रैली से संघर्ष ये है कि जो गुलाम भारत में हमारी समस्या नहीं थी वो आजाद तथाकथित आजाद भारत में निर्माण हो गई। गुलाम भारत में भुखमरी नहीं थी, गुलाम भारत में मॉब लिंचिंग नहीं थी, गुलाम भारत में गैंगरेप नहीं हुआ करता था, गुलाम भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, जो नहीं थी समझ नक्सलवाद नहीं था, आतंकवाद नहीं था, ये वर्तमान 70 साल में पैदा हो गया। इसकी ये जो पैदा करने वाले लोग है ये जनता को केवल मात्र अलग अलग इश्यू पर उलझाए रखते हैं, और ये जो 85% लोग है SC ST OBC माइनॉरिटी, जब तक ये यूनाइट नहीं होंगे तो इस देश का शासक वर्ग बन नहीं सकता। जब तक शासक नहीं बनता तब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपका परिचय? VL महतंग, सह संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा।